बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। मंडी जिला में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सैकड़ों अभिभावक सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। मंडी शहर में अभिभावकों ने एक रोष रैली निकाली और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा निकाला। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान सभी स्कूल बंद रहे और बावजूद इसके अभिभावकों से फीस वसूली गई। अब अभिभावकों से एनुअल चार्जेस के नाम पर लूट करने की कोशिश की जा रही है। वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, उससे ठीक पहले प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने अभिभावकों को धमकियां देकर एनुअल चार्जेस वसूलने का धंधा शुरू कर दिया है। हमारा मुद्दा है एनुअल चार्जेस को लेकर के, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से एनुअल चार्जेस वसूल रही है और हर साल इसमें बढ़ोतरी की जा रही है, इसलिए हमारी मांग है कि इनको नियमित रूप से जो है कंट्रोल में हम किया जाए। और दूसरा ये हमारी मांग है कि सरकार इस मामले में अपना रुख क्लियर करे। जो जिस तरीके से एनुअल चार्जेस के नाम पे छात्रों की लूट को और तेज करना चाहते हैं, हमने इस चीज़ को लेकर अनेकों प्रदर्शन मंडी के अंदर किए, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मिले और उसके बाद जो ये कहा गया कि कोई भी एनुअल चार्जेस ना लिए जाएं, मगर उसके बाद जब हम डीसी महोदय से मिलते हैं तो ये बात कही जाती है कि कोई रिटर्न के अंदर जो है उसके अंदर नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो क्या अभिभावकों के साथ है या प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के साथ है, वो चीज़ को भी तय करे जो है प्रदेश की सरकार। हम तो यही कहते हैं जो पहले सरकारी एम्प्लॉयज है सबसे पहले वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालें, उसके बाद हम भी चल पड़ेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है सरकारी स्कूल में डालने के। लोगों को जॉब सरकारी चाहिए, स्कूल सरकारी नहीं चाहिए। अब गवर्नमेंट वाले नहीं जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो हम तो आम जनता है। हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से, हमें अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाएं, नहीं तो फिर हम अगली कार्रवाई करेंगे। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज।